इस वक्त सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। कैबिनेट की बैठक चल रही थी और इसी बीच डेप्यूटी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं, सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली। ये नए जो शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे इसमें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर 70 से 75 की आवश्यकता पड़ती है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर 46, फिर प्रोफेसर 24, कुल मिला के 150 पद होते हैं। तो यदि हम इसको पदोन्नत से भरेंगे तो फिर हम जो एनएमसी की जो मान्यता है कि तत्काल इन पदों को भरना चाहिए, तो ये आवश्यक संशोधन इसलिए लाया गया कि हमारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएं 5 वर्षों के लिए, और हम सीधी भर्ती से उन पदों को भी भर लेंगे जिन पदों को पदोन्नत के पदों से के माध्यम से भरा जाता था। ये स्वीकृति संशोधन नियमों में आज मंत्रिमंडल ने की है। विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया है। हम सब को मालूम है कि मुहासा बाबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हम लोगों ने डेवलप किया था पिछली सरकार में। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस MPIDC को, औद्योगिक विकास निगम को जो दिया गया था वो 1678 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया था, और इस पार्क में विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। उसका मतलब बिजली ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण का काम उस इंडस्ट्रियल एरिया में होना है। तो अभी जो भारत सरकार से स्वीकृति मिली है वो 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनना है जिससे बहुत से काम होने हैं, जिससे कि वहाँ पर इस प्रकार की जब इंडस्ट्रीज आए तो उसके टेस्टिंग से लेकर हर तरह के लैब वहाँ पर उपलब्ध हों। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था वो जो बहुत बड़े एरिया में था उसको अभी संशोधन करते हुए सीमित किया गया है, और 237 एकड़ के लिए वो संशोधन एक लाया गया है। बाद में नियामकाज में जाके उसको फिर वेटिंग कराई जाएगी, अप्रूवल कराया जाएगा। तो ये भी एक हुआ है, इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें निवेश आना तेज़ी से शुरू हो पाएगा। तो ये निर्णय हुए हैं और बस इतना। तो मोहन, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, बेहद ही खास ये बैठक रही चूंकि कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर चर्चा होनी थी और मुहर भी लगनी थी। तो डेप्यूटी सीएम को भी आप सुन रहे थे, कई सारे मुद्दे ऐसे रहे जिन पर चर्चा हुई, कई सारे चित्रकूट में निर्णय लिए गए उन पर चर्चा हुई, फैसले लिए गए, साथ ही साथ पीएम जनमन योजना को लेकर के चर्चा इस बैठक में हुई। भोपाल में BRTS का जो फैसला लिया गया है, कार्य योजना पर भी चर्चा हुई है। तो तमाम ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई और कई सारे ऐसे काम हैं जिन पर मुहर भी लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का जिक्र करते हैं। तराना तहसील में मां और उसकी दो बेटियों ने कीटनाशक पी लिया। दरअसल ये महिला अपने बच्चों को एक जगह छोड़कर मोटर चालू करने चली गई थी। एक घंटे बाद लौटने पर उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियां बेसुध पड़ी थी, पास में ही कीटनाशक दवा भी पड़ी थी। मां को लगा बच्चियों की मौत हो गई तो उसने भी वही कीटनाशक पी लिया। तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां 1 साल की बच्ची की मौत हो गई। मां और दूसरी बेटी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बेटी सर खेत कुएं पे पानी फेरने गई थी तो पूजा भाई दोनों बच्ची को मेड़ पे छोड़ के मोटर चालू करने चली गई, तो वहाँ कोई दवाई छीटी होगी तो वो दवाई खेत पे छोड़ के घर आ जाते हैं लोग, किसान लोग। तो बच्ची उनने दवाई का ध्यान नहीं रखा और दोनों ने दवाई पी ली। पूजा भाई घंटे खंड में उधर से आई, उसने देखा तो दोनों बच्ची की बेहोशी भी पड़ी हुई थी। पूजा भाई घबराहट में कि बच्ची तो मरी गई, मेरे को जी के क्या करना, तो पूजा भाई ने भी दवाई पी ली तीनों। हैं अभी क्या स्थिति है सर? उसमें से दो बच्ची में से एक की डेट हो गई है। अलीराजपुर में शिक्षा विभाग में 20 करोड़ के गबन के मामले में मुख्य आरोपी कमल राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 22 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के पुष्कर से पकड़ा। आरोपी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। कमल राठौर पर 134 खातों में अवैध तरीके से राशि ट्रांसफर कर 20 करोड़ के गबन का आरोप।
बहुत ही एक जो एक मुखबिर था उसके द्वारा सूचित किया गया कि ये जो व्यक्ति है ये राजस्थान की तरफ निकला है और संभवतः ये खाटू श्याम मंदिर भी जा सकता है। पुलिस की जो एक टीम थी वो वहाँ पर पहुँची लेकिन वहाँ पर नहीं मिला वो। बाद में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचित किया गया कि ये वहाँ से निकल चुका है और ये जयपुर और पुष्कर उस तरफ गया है। बाद में पुष्कर पहुँच के हमारी जो टीम थी उसमें सब इंस्पेक्टर पन्नालाल था, हमारे साइबर सेल के राहुल और साइबर सेल के दिलीप, ये तीनों थे और इनके द्वारा उस जो बताए हुए स्थान पर दबिश दी गई और वहाँ पर वो व्यक्ति जो हमारा ना सिर्फ दस हज़ार का इनामी था बल्कि पूरे जो प्रकरण है जिस पर शासकीय धन का जो गबन का आरोप था उसको हमने पकड़ा। रतलाम में बदमाशों का गजब का कारनामा सामने आया। यहां बदमाश पुलिस की गाड़ी से रंगदारी वसूलने पहुंच गए। बदमाशों ने पहले थाने से पुलिस की गाड़ी पार की, फिर पुलिस की ही गाड़ी से होटल संचालक से रंगदारी वसूलने पहुंचे। व्यापारी को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोगों ने बदमाशों का वीडियो बनाया। बदमाश गाड़ी लेकर मौके से भाग गए। कुछ ही देर में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। थाने के वाहन अधिग्रहित वाहन है और पूर्व में जो चालक रहा है इसके द्वारा वाहन ले जाकर स्टेशन क्षेत्र में रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास में लोगों से अभद्रता व्यवहार करना पाया गया है और इसमें स्टेशन रोड थाने में उसके खिलाफ प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। दोनों व्यक्ति हैं, इमरान और इमरान का साथी है, इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। दोनों को अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। खरगोन में आबकारी विभाग की छापेमारी हुई है। अवैध शराब ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। लगभग 2,500 किलोग्राम लहान भी नष्ट किया गया। 60 लीटर हाथ भट्टी शराब नष्ट की गई। मौके से 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कसरावत के जंगल में अवैध शराब की भट्टी थी और वहां पर ये लहान बनाने का काम करते थे जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। जुलाई 2023 में उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी पर विशेष समुदाय के युवकों के द्वारा थूकने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पूरे मामले में शिकायतकर्ता और गवाह दोनों अपने बयान से पलट गए। हालांकि एक गवाह की अभी कोर्ट में गवाही बाकी है लेकिन न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया है। अब कोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल शिकायतकर्ता और गवाह के बयान से साफ हो रहा है कि पुलिस ने बिना जांच के FIR दर्ज की और उन्हें जेल भेजा। इतना ही नहीं, बिना जांच के इनके मकान भी तोड़े गए। आपको बता दें कि मामले में एक युवक समेत 2 नाबालिगों को आरोपी बनाया गया था और तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज हुआ था। 68 दिन बाद न्यायालय से दोनों नाबालिगों को जमानत मिली थी और अब बालिग को भी जमानत मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। इंदौर में सीएम का रोड शो भी होगा। ये भी बता दें कि बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक रोड शो होगा। रास्ते में करीब 250 जगहों पर सीएम का स्वागत होगा। भगवान गणेश के दर्शन के साथ ही सीएम रोड शो करेंगे। देवी अहिल्या के आशीर्वाद के साथ रोड शो का समापन होगा। राजवाड़ा से ही सीएम इंदौर को करीब 350 करोड़ रुपए के एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात देंगे। चुनाव हारने के बाद अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड में पहली बार संवाद किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते वो अपना आपा खो बैठे और कहा कि किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल लूंगा। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि किसी से नहीं डरना है, हम हारे हैं, सरकार नहीं हारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को अटेर का विधायक और मंत्री बताते हुए कहा कि किसी ने गुंडागर्दी की तो कमर तुड़वा देंगे। तो ये अरविंद भदौरिया का बयान, बिगड़ते बोल उनके सामने आए हैं। बिना सोचे समझे कई बार नेता बयान दे जाते हैं जो बाद में उनको भारी पड़ते हैं और पार्टी को भी उसका जवाब देना, कुछ ऐसा ही अरविंद भदौरिया द्वारा कहा गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद नियुक्तियां रोक दी गई, इससे युवाओं को नुकसान हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने मांग की
की है कि भ्रष्टाचार की जल्द जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। साथ ही युवाओं को जल्द नियुक्तियां दी जाएं। जिन परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए उनके परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएं।